पूजा भट्ट की घर में एंट्री बड़ी प्यारी थी यार। 1.5 लाख बिग बॉस क्वाइन मिल गए थे बिना कुछ करे हुए, ना ही पॉइंट टेबल में आए हुए, और भी सलमान खान ने प्यार से उनको सजेशन भी दिया, खर्चना मत, मतलब कि बहुत ज़्यादा काम के होने वाले हैं। उसके बाद घर में भी भरपेट इज्जत मिली, लेकिन इस औरत ने अपनी इज्जत खुद गंवाई है। रिसेंट इनका झगड़ा हुआ था फुकरा इंसान के साथ, और वहाँ पर इन्होंने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए फुकरा इंसान की मम्मी के लिए, जहाँ पर इन्होंने परवरिश की बातें की। एंड एट द एंड ऑफ डिस्कशन सी सेड कि ये तो गे है, मतलब कि इस बात को करने का कोई तुक बन नहीं रहा था, लेकिन गुस्सा आ गया बेचारी को, और उसको लगता है कि भाई ये होना कुछ गलत है, ये कोई गाली है। LGBTQ वालों को पता चला ना पूजा भट्ट, तो मैं कह रहा हूँ तुम्हारा ना भट्ट तोड़ देंगे वो। और इस चीज़ पे फुकरा इंसान भी केस कर सकता है, लेकिन वो बेचारा चुप बैठा। लेकिन बाहर ट्रिगर्ड इंसान इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड हो गया, और भाई साहब जो उसने रेला बनाया पूजा भट्ट का, भाई सोशल मीडिया पे भर दिया पूजा भट्ट को, और मेरे हिसाब से इतना भर दिया है कि घर से निकलने के बाद 6 महीने ना तो उसको डिटॉक्स होना पड़ेगा, इतनी बातें सुना दी हैं। भाई मैं बता रहा हूँ, जो भी फुकरा इंसान से पंगा लेगा उनको पता नहीं, भाई फुकरा इंसान के सब्सक्राइबर बेस, ट्रिगर्ड इंसान का सब्सक्राइबर बेस, फुकरा इंसान का सब्सक्राइबर बेस, डिम्पल ओहो इनकी मम्मी का सबसे ही बड़ा सब्सक्राइबर बेस, ऊपर से इनकी बहन की अंधी फैन फॉलोइंग 7-8 मिलियन सब्सक्राइबर उसके हैं। भाई ये सारे घर वाले हैं ना निचोड़ देंगे कोई भी पंगा लेगा। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ जनता, ये गे बोलना, परवेश पर सवाल करना पूजा भट्ट का सही था गलत, जल्दी से बताओ। बाकी मिलता हूँ जल्द, बाय।